Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. My name is Najma Zain Siddiqui. आज मैं पाव भाजी बना रही हूँ। पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। फाइव टेबलस्पून बटर, सॉल्टेड बटर डालेंगे। वन ओनियन चॉप्ड करी हुई डालेंगे, इसे अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भुने जाने के बाद 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और ये ग्रीन चिल्ली सॉस है 5 टेबलस्पून। अब हम बॉइल्ड करा हुआ वाइट चना ऐड करेंगे, मैंने इसे पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। स्पाइसेस में मैंने लिया है 2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ टीस्पून हल्दी एंड रेड फूड कलर। ये सभी स्पाइसेस को अब इसमें हम ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से थोड़ा हम भून लेंगे। ये सभी मसाले अच्छे से भुने गए हैं, अब हम इसमें हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला मिक्स करने के बाद हम इसमें हाफ कप वाटर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड आलू, इसको मैंने पहले से ही बॉइल्ड करके रख लिया था। आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ग्लास के हेल्प से हम मटर और आलू को मैश कर लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से मैश हो गए हैं। अब इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे, मैंने 4 टमाटर लेकर मिक्सर में पीस लिया था। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। हाफ टेबल स्पून कस्तूरी मेथी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे कोथमीर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा बटर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने रखेंगे। यह हमारी पाव भाजी की भाजी बनके तैयार है। पाव को सेकने के लिए हमने यहाँ पे बटर लिया है, इसके अंदर हम कोथमीर ऐड करेंगे। और हाफ टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से पाव को तोड़ लेंगे।
पैन में ऑयल डालेंगे ताकि बटर ना जले। फिर बटर डालकर पाव रख के उसे अच्छे से सेकेंगे। पाव के ऊपर भी हम बटर लगाएंगे। ये अच्छे से सेके जाने के बाद इसे पैन से निकाल लेंगे। यह हमारा फाइनल लुक पाव और भाजी दोनों बनके तैयार है। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।